जो हम फर्स्ट ले रहे हैं नॉन मेटल का एग्जाम्पल या नेम दैट इज ग्रेफाइट ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स उस एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं तो ग्रेफाइट कार्बन का फिजिकल फॉर्म है कार्बन इज अ नॉन मेटल देयरफॉर ग्रेफाइट इज ऑल्सो नॉन मेटल तो ग्रेफाइट इज कंडक्टिंग इट इज कंडक्टिंग इन नेचर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स मतलब दैट डोंट कंडक्ट्स दैट डोंट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी तो ये अनकॉमन प्रॉपर्टी हो गई है और हमारा फर्स्ट नॉन मेटल है ग्रेफाइट देन हम ले सकते हैं नेक्स्ट आयोडीन आयोडीन इज लस्चरस इट इज लस्चरस मतलब इसके अंदर हमें शो होता है मतलब ये शाइन करता है और नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्चरस दे आर नॉन लस्चरस तो ये भी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई और हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है आयोडीन नेक्स्ट है डायमंड Diamond is also an allotrop of carbon. It is also an allotrop of carbon or it is hard. But generally, non metals are not hard. दे आर नॉट इन सॉलिड फॉर्म नॉन मेटल जनरली सॉलिड नहीं होते हैं दे आर इधर लिक्विड और गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड और गैशियस फॉर्म में होते हैं इसलिए दे आर नॉट हार्ड और जो डायमंड है इट इज हार्ड इसलिए यह एक अनकॉमन प्रॉपर्टी हो गई है हमें बताना था नेम ऑफ सम नॉन मेटल्स दैट शो प्रॉपर्टीज अनकॉमन टू नॉन मेटल्स दैट इज ग्रेफाइड विच इज कंडक्टिंग वाइल नॉन मेटल्स आर इन्सुलेटेड दे आर नॉन कंडक्टिंग आयोडीन इज लस्चरस मतलब इनमें शाइन दिखती है हमें और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस एंड डायमंडार्ड वाइल नॉन मेटल्स आर नॉ हार्ड थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो सकता आज डाउनलोड करे डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर